अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं माज एक्सपेरिमेंट। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। जैसे कि आपने वो तीखा सा एक पापड़ मतलब लेज चिप्स वगैरह मिलता है जिसका नाम होता है जोलो चिप। क्या कमाल का खाने वाला होता है, बड़ा मतलब वो मिर्ची वाला होता है। तो हमने आज सोचा कि हम आज उसे ट्राई करते हैं। हमने वहाँ से ऐसे वैसे तो यहाँ से पता किया कि कहीं से मिल जाए जोलो चिप, लेकिन हमें नहीं मिला मतलब यहाँ से। तो फिर हमने सोचा कि दराज से ऑर्डर करें, 7 दिन लग जाने थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम घर में बनाते हैं। जोलो चिप जोन सा बहुत ज़्यादा तीखा होता है, हम उससे भी ज़्यादा कुछ तीखा बनाएंगे। जोलो चिप जोन सा उसे यहाँ पर घर में बनाएंगे और उसे खा कर आपको बताएंगे कि इसका कैसा टेस्ट है, ये बिल्कुल सही उस तरह से बना है कि नहीं बना। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक लेज़ का पैकेट। लेज़ का पैकेट हम ले लेते हैं यहाँ से, नीचे से, नीचे पड़े हुए हैं, ये रहा लेज़ हमारा, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पर हम इसे ओपन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं कि हमने लेज को कर लिया है ओपन। और इसका जो सा मसाला है इसके ऊपर जो सा हमने वो बनाना है चिप्स, जोलो चिप्स, वो इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर इसके जो सा मसाला वगैरह पेस्ट वगैरह जो सा बनाना है वो बना लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम ये तीखी मिर्च, मतलब इसे ले लेते हैं ये एक हाफ स्पून ले लेते हैं, बल्कि और थोड़ा ले लेते हैं सही से तीखा बने। ये हाफ स्पून है हमारे पास मिर्च है तीखी। और इसके साथ हम ले लेते हैं ये है हमारे पास ग्लास के अंदर नमक। नमक हम थोड़ा लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कड़वी होता है, मतलब ये यहाँ इतना नमक जो सा है वो हम ले लेंगे, तो थोड़ा कर लेते हैं। ये जो सा नमक है ये ले लेंगे, इसके ऊपर लगा देते हैं, इसे हम कर लेते हैं मिक्स। ये देख सकते हैं कि बड़ी तीखा बन गया हुआ है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी जो कि बिल्कुल मतलब सही से पेस्ट बन जाए, उसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने एक चम्मच के लिए अंदर जो सा थोड़ा सा पानी ले लिया है, ये इसके अंदर डाल लेंगे। ये डाल लिया है पानी हमने, इसको अब कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करते हैं सही से, इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जोलो चिप जो सा है वो सही से तैयार हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तीखा बने। तो ये पेस्ट बिल्कुल सही से बन रहा है। थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं। देख सकते हैं बड़ा ही हॉट टाइप मतलब स्पाइसी टाइप लग रहा है। देखिए इसका कलर जो सा है बिल्कुल रेड हो गया है और अब ये बिल्कुल सही से मतलब पेस्ट जो सा है तैयार हो गया है। अब हम लगाएंगे एक लेज के ऊपर, ये वाला लेज ले लेते हैं, इसके ऊपर एक साइड पर लगा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर हम लगा रहे हैं जोलो चिप, मतलब ये जो सामने स्पाइसी बनाया हुआ है ताकि ये सही से जोलो चिप बन जाए। तो ये बन गया हमारा, बिल्कुल तैयार हो गया है जोलो चिप। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब अब इसे हम ट्राई करेंगे एक दो और साथ में बना लेते हैं ताकि ये मतलब ज़्यादा खाऊँगा, मैं भी खाऊँगा और जो सा मेरा टीम मेट है मतलब वो भी खाएगा। तो इसको भी हम ले लेते हैं इसके अंदर, ये भी हम ले लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा है, वो छोटे वाला मैं खाऊंगा, ये जो सा वो खाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगा लेते हैं ताकि ये सही से उसे भी पता चले कि ये मतलब जोलो चिप क्या चीज़ क्या है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जोलो चिप जोन सा है बिल्कुल तैयार हो चुका है, बड़ा ही तीखा है। ये देखें इसके ऊपर हमने सही से मिर्ची लगाई है मतलब सही ताकि ये जोलो चिप की तरह तैयार हो जाए। तो अब इसे हम कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं इसे खा कर, चेक करते हैं कि ये सही से जोलो चिप बना है, ये तीखा है कि भी नहीं। तो चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जोलो चिप बिल्कुल सही से तैयार हो चुका है, बिल्कुल तीखा भी है, लग भी रहा है। आपको भी लग रहा होगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये आपको कैसा लग रहा है। अब इसे मैं करूँगा ट्राई, जो सा मेरा मतलब मैंने दूसरा टीम मेट को एक देना था लेकिन उसने बोला कि मैंने नहीं खाना, तो आप इसलिए ये खुद ही खाना पड़ेगा मुझे। तो अब सबसे पहले मैं ये छोटे वाला जो सा पीस है इसे ट्राई कर लेता हूँ क्या होता है। ये छोटा जो सा पीस है इसे ट्राई करूँगा एक ही टाइम के अंदर, मतलब इसे मैं खाऊँगा। तो चलो ट्राई करता हूँ। आई, आई, ओ, 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 ओ,
जैसे कि आपने आगे देखा है कि मैंने छोटे वाले जो सा पिज्जा वो जो ने छुपका खाया और मेरा मतलब रंग भी उड़ गया, मतलब रेड वाइट सब कुछ हो गया, बड़ा ही तीखा था, ज़्यादा तीखा था, पता नहीं उसके अंदर नमक ज़्यादा डाल दिया हमने या जो भी हुआ। तो अब हम ट्राई करेंगे ये बड़े वाला, ये वैसे था तो उसका दूसरे का, लेकिन ये भी मुझे खाना पड़ रहा है, तो अब हम इसे ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर सही से मिर्ची बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हमने ज़्यादा लगाई हुई है ताकि ये सही से जो चिपका टेस्ट जो उनसे आए। तो अब मैं इसे ट्राई करूँगा, तो देखते हैं कि ये कितना तीखा है। तो 1, 2, 3 एंड देन स्टार्ट। इसके ऊपर हम खाएंगे ये इनाज की सुपारी, मैंने साथ में रखी हुई थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा था, तो मैं इसे खा लेता हूँ। पसीना आ गया यार में ट्राई ना कर, ये बड़ा तीखा बनता है। मज़ा भी आया, तो आपको मज़ा आया तो इसे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो जा रहा हूँ, ओके बाय बाय।